चलिए, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव सर्विंग के। इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालना फुटिंग में, और बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे। बट स्टील की क्वांटिटी निकालने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो स्टील के बारे में आपको जानना जरूरी है, हम पहले उनकी बातें कर लेते हैं। राइट, सपोज अगर मैं एक फुटिंग बना लेता हूँ और इसका कोई रेंडम स्पैन ले लेता हूँ, सपोज ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो रेनफोर्समेंट के बारे में, जब हम रेनफोर्समेंट इंस्टॉल कर रहे होते हैं है ना, उस समय हमारे पास कुछ कॉमन नॉमनक्लेचर आते हैं लेंथ को लेकर। राइट, कैसे होते हैं? एक होता है हमारा क्लियर लेंथ। राइट, और ये लेंथ आप सबको पता है, एस टू एस डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं क्लियर लेंथ कितनी है तो ये आप क्या बोल दोगे? 3 मीटर। क्लियर लेंथ है तो क्या आप बोल दोगे कि 3 मीटर क्लियर लेंथ है। राइट, दूसरी लेंथ आती है इफेक्टिव लेंथ। अब देखिए, आपने कंक्रीट में कई बार इफेक्टिव लेंथ पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर ये इफेक्टिव लेंथ नहीं है। देखिए, कंक्रीट में जो इफेक्टिव लेंथ था उसका फॉर्मूला था आपका क्लियर लेंथ प्लस डी, राइट, और क्लियर लेंथ प्लस सपोर्ट विड्थ। ये फॉर्मूला था, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होती थी और वो आप यूज कर लेते थे। बट यहां पर ये क्लियर लेंथ का फॉर्मूला नहीं है। देखो, ये इफेक्टिव लेंथ आप यूज करते थे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू लेने के लिए, राइट, ताकि आपको वो बेंडिंग मूवमेंट पता चल जाए जिसको आपको रजिस्टर करना है, राइट। बट यहां पर बेंडिंग मूवमेंट का मतलब नहीं है, वो सारा डिजाइनिंग हो चुका है, राइट। अब हमें चाहिए नंबर। इन द केस ऑफ नंबर, लेट्स से कि आपने क्लियर कवर माना हुआ है, लेट्स से ये क्लियर कवर है, तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ है कि बस देखो, रेनफोर्समेंट तो इतने में ही लगाओगे ना, राइट, जो आपका क्लियर कवर है उसके नीचे तो रेनफोर्समेंट आता नहीं है, तो अगर उसके नीचे रेनफोर्समेंट आता नहीं है तो ये वाला पार्ट तो रेनफोर्समेंट में होगा नहीं। तो वो लेंथ जिसमें आपका रेनफोर्समेंट लग रहा है उसे हम यहां पर बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, और उसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है क्लियर लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। राइट, एक क्लियर कवर यहां से जाता है, एक क्लियर कवर यहां से जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, ये हो जाता है आपका इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला। एक और लेंथ है जिसके बारे में आप जब भी क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालने जाओगे तो आप कई बार सुनोगे, और उसे हम बोलते हैं कटिंग लेंथ। राइट, बहुत ध्यान से समझिएगा, फुटिंग में कटिंग लेंथ क्या होता है, पहले तो ये समझिए कटिंग लेंथ क्या होता है। सपोज अगर मैं इसको 50 mm मान लेता हूं क्लियर कवर है ना, तो ये 100 हो गया, तो मतलब ये आ गया आपका 2900 mm, राइट, मतलब ये जो इफेक्टिव लेंथ आ गई कितनी आ गई, 2900 mm इफेक्टिव लेंथ आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या जब आप रेनफोर्समेंट लेकर आओगे तो आपको इस स्पैन की रेनफोर्समेंट मिल जाएगी? राइट, रेनफोर्समेंट का तो अपना स्पैन होता है, राइट, वो तो उसी स्पैन पे आएगी, मतलब आपको 2900 mm कट करना पड़ेगा लगाने के लिए, राइट, मतलब कि जहां पर आप कट करते हो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 2900 mm कट करेंगे, पहले कटिंग लेंथ समझो, फिर मैं कटिंग लेंथ बताता हूं क्या बनती है फुटिंग के केस में। मतलब कटिंग का मतलब वो है कि जिस भी स्पैन पे आप रेनफोर्समेंट को कट करने वाले हो अपनी डिजायर्ड लेंथ के लिए, उसे हम बोल देते हैं कटिंग लेंथ। राइट, जिस भी लेंथ में आप रेनफोर्समेंट को अपनी डिजायर्ड लेंथ के लिए कट करने वाले हो उसे हम क्या बोल देते हैं? कटिंग लेंथ। अब देखो, कटिंग लेंथ होगी क्या, ध्यान से समझिएगा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि सपोज इसको मैं फुटिंग मान लेता हूं तो रेनफोर्समेंट ऐसे ऐसे बिछी होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि रेनफोर्समेंट आपने बस बिछा के छोड़ दिया। अगर दो मटीरियल है, दैट इज कॉन्क्रीट एंड स्टील, अगर उनका प्रॉपर कनेक्शन नहीं है तो क्या वो एक साथ काम कर पाएंगे? राइट, सपोज आपका कोई एक्टिविटी है या कोई गेम है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें आपको पेयर में भागना है, राइट, पेयर में दौड़ना है, तो क्या आप इंडिविजुअली काम कर सकते हो क्या उसमें? जब तक प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी, जब तक प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा, तब तक ये दोनों एक मटीरियल की तरह तो काम नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ शो करेंगे और वहां पर फेलियर के बहुत चांसेस है। राइट, तो रेनफोर्समेंट सिर्फ स्पैन पे लगा देने से हमारा काम नहीं चलेगा, उसको बॉन्ड करना पड़ेगा। राइट, और बॉन्ड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट पड़ी हुई है ये, तो इसको हम नीचे बेंड कर देते हैं और उस लेंथ को हम बोलते हैं बेंड लेंथ। क्या कर देते हैं? बेंड कर देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? बेंड लेंथ। अगर मैं बनाऊं यहां पर इस तरीके से क्रॉस सेक्शन, तो ये अगर सपोज रेनफोर्समेंट है,
ये इस तरीके से दूसरी डायरेक्शन के रेनफोर्समेंट है, तो ये क्या हो जाता है बेंड, और इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेंड लेंथ, राइट। तो मतलब ये वाली लेंथ तो चाहिए ही, साथ में बेंड लेंथ भी चाहिए, राइट। अगर आपको कट करना है तो क्या लेंथ कट करोगे, इफेक्टिव लेंथ प्लस बेंड लेंथ, राइट। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाना यहां ट्राई करूं तो सबसे पहले तो इफेक्टिव लेंथ तो डेफिनेटली होगी इस लेंथ में, इफेक्टिव लेंथ तो डेफिनेटली होगी, प्लस आपको यह भी समझ में आ रहा है कि बेंड भी होगा। अब इसे बेंड लेंथ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बेंड भी बोल देंगे तब भी चलेगा, राइट। बेंड बोल देंगे तब भी चलेगा, राइट। और बेंड कैसे आएगा, जो भी इसकी डेप्थ है उसमें क्लियर कवर हटा दो दोनों तरफ, राइट। मैं यहां पर साइड में लिखता चलता हूं, अगर मुझे बेंड चाहिए, राइट, तो बेंड कैसे आएगा, सपोज मैं बोल देता हूं कि इसकी जो फुटिंग की डेप्थ है वो है 500 mm, राइट। तो यहां ये बेंड है, ये यहां से यहां तक बेंड है, और ये क्लियर कवर है 50-50, राइट। तो बेंड कितना हो जाएगा 500 माइनस 2 × 50 दैट इज 100, तो बेंड कितना आ गया 400 mm, बेंड कितना आ गया 400 mm। बट याद रखिएगा ये बेंड एक तरफ का आया है, राइट। मतलब ध्यान से देखो, फिर से समझाता हूं कि यहां से करोगे बेंड, इधर से भी तो करोगे बेंड, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही तरफ से कनेक्शन बना के छोड़ दोगे आप, दोनों तरफ से बेंड करोगे तो दोनों तरफ से बेंड की लेंथ आएगी, मतलब कि जो टोटल बेंड लेंथ होगी क्या होगी 2 × 400 एक डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 2 × 400। समझ में आया बेंड लेंथ, राइट। यहां तक फॉर्मूला बन गया, लेकिन अब ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत डाउट होता है उसमें समझने में, एंड दैट इज बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन देखो, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ चाहिए, राइट। टेक्निकल बंदे हैं, प्रोफेशनल है, एग्जैक्ट लेंथ चाहिए, आगे पीछे में काम नहीं करना है। अब ये बेंड डिडक्शन क्या होता है, जब आप बेंड कर दिया, आपने यहां पे आपने बेंड किया, मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से होगा, मतलब यहां पे ये कुछ कर्व आएगा, ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां पे कर्व आएगा। अब जब तक ये स्ट्रेट रॉड थी, है ना, जब तक ये स्ट्रेट रॉड थी तब तक इसकी अपनी कुछ लेंथ थी, जैसे ही आपने बेंड किया, तो जैसे सपोज मैं इसे बेंड करूं 90 डिग्री, राइट, बेंड करूं किसमें 90 डिग्री पे। अब इस 90 डिग्री पे बेंड की वजह से जो मेरी लेंथ है वो कुछ कम ज्यादा होगी, कुछ कम ज्यादा होगी, राइट। मतलब इससे हमें, यहां से हमें पता चलता है कि जो लेंथ होती है वो हमें कम चाहिए, मतलब कि हमें कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा, ऊपर वाली जो लेयर है वो बढ़ जाएगी। आप इमेजिन करो ना कि जैसे ही बेंड हुआ, जो ऊपर वाली सरफेस है उसकी लेंथ क्या होगी, कर्व की वजह से बढ़ जाएगी, और नीचे वाले की क्या होगी, कम होगी। तो बेंड डिडक्शन का अगर थ्योरेटिकल फॉर्मूला मैं बताऊं तो ये जो बढ़ी हुई लेंथ है प्लस कम लेंथ माइनस जो ओरिजिनल दोनों साइड की लेंथ थी, तो जो बचता है वो होता है बेंड डिडक्शन। मैं फिर से समझा देता हूं कि अगर इसको मैं 90 डिग्री पे मोड़ देता हूं तो ये जो कर्व है ऊपर वाला प्लस कर्व नीचे वाला माइनस ओरिजिनल सीधी पोजिशन पे ऊपर वाली लेंथ प्लस नीचे वाली लेंथ, इनका जो डिफरेंस है वो होता है बेंड डिडक्शन, राइट। हाउएवर आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले पहले से गिवन है। तो अगर बेंड आपका 45 डिग्री हो, राइट, मतलब कि आप जो बेंड कर रहे हो उसका एंगल 45 डिग्री हो, राइट, तो ये जो डिडक्शन लेंथ होती है ये होती है 1 × d, और d यहां पर क्या होता है, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, राइट। अगर आपका 90 डिग्री बेंड हो, राइट, तो ये हो जाती है 2d, अगर आपका 135 डिग्री बेंड हो तो ये हो जाती है 3d, और अगर आपका 180 डिग्री बेंड हो तो ये हो जाती है 4d। मतलब ये हो जाती है आपकी बेंड डिडक्शन। अगर आपने 45 डिग्री पर बेंड किया है तो भाई 1d डिडक्ट कर दो, अगर आपने 90 डिग्री पर बेंड किया है तो 2d डिडक्ट कर दो, अगर आपने 135 डिग्री पर बेंड किया है तो 3d डिडक्ट कर दो, और 180 डिग्री पर बेंड किया है तो 4d डिडक्ट कर दो। तो यहां से यहां पर आ जाता है इफेक्टिव लेंथ प्लस बेंड माइनस बेंड डिडक्शंस, और ये डिडक्शंस इसीलिए है क्योंकि माइनस हो रहा है, डिडक्शन है अगर तो वो माइनस ही होगा। बेंड डिडक्शन समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, ओके। अब फिर से समझने वाली बात है कि अगर दो तरफ से बेंड हो रहा है, मतलब कि एक स्पैन पे ये बेंड है, ये बेंड है, दो 90 डिग्री का बेंड है, एक 90 डिग्री के लिए कितना चाहिए 2d, तो दो 90 डिग्री के लिए कितना चाहिए 4d, तो यहां पर बेंड डिडक्शन इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा 4d। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये इतनी जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए थी अपने क्वेश्चन तक
चलने के लिए। अब ये एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और उसमें हम क्वांटिटी ऑफ स्टील कैलकुलेट करके उसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। ओके ओके, अब आपके पास एक फुटिंग है जिसका साइज है 2 मीटर बाय 1.7 मीटर, और उसकी थिकनेस है 300 mm, थिकनेस या डेप्थ जो भी आप समझ लो। जो आपकी दोनों रेनफोर्समेंट है मीन्स एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, दोनों में रेनफोर्समेंट पड़ी है 12 mm की, स्पेसिंग दी गई है 150 mm, राइट। देन आपका क्लियर कवर दोनों साइड में दिया हुआ है 50 mm। अब बोला जा रहा है कि आप क्वांटिटी ऑफ स्टील बाय इसके लिए निकाल के बता दो, राइट। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जनरल कैलकुलेशन है। अगर थोड़ा सा आपको लेंथ समझ में आ गई है तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इफेक्टिव लेंथ। फर्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा इफेक्टिव। अब इफेक्टिव लेंथ क्या थी? इफेक्टिव लेंथ वो थी जिस लेंथ में आपका रेनफोर्समेंट पड़ने वाला है, राइट। वो लेंथ निकाल लो, वो क्या बन जाती है आपकी इफेक्टिव लेंथ। आप दो डायरेक्शन में है दोनों में निकालेंगे, यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो इफेक्टिव लेंथ है कितनी हो जाती है, 2 मीटर दिया हुआ है तो 2000 माइनस 2 इनटू क्लियर कवर, राइट। अब नाउ 2000 माइनस 100 दैट इज 1900 mm, कितना आ जाता है 1900 mm आ जाता है, राइट। अलोंग वाई एक्सिस निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस में कितना है 1.7 यानी 1700 mm माइनस 2 इनटू 50, 2 × 50 is 100 and that is यहाँ से क्या आ जाता है 1600 mm, कितना आ जाता है 1600 mm, बहुत ही आसान था, right? Next step आता है आपका number of reinforcement, right? Number of reinforcement का formula क्या होता है? इसका formula होता है effective length divided by spacing प्लस वन। नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन। मतलब क्या है? इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स निकालते हैं, अलोंग एक्स, जब अलोंग एक्स की बात करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ कितना गिवन है? इफेक्टिव लेंथ गिवन है 1900, स्पेसिंग कितना गिवन है, स्पेसिंग दिया है रेनफोर्समेंट का 150 प्लस वन, मीन्स 1900 डिवाइडेड बाई, चलिए सॉल्व करते हैं, 1900 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1, ये आता है 13.666, मींस कितनी रेनफोर्समेंट आ गई, 14 रेनफोर्समेंट, राइट। सिमिलरली अलोंग वाई बात करते हैं तो अलोंग वाई क्या हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाई 150, क्योंकि दोनों साइड स्पेसिंग सेम ही है। अगर स्पेसिंग अलग है तो आप देख लीजिएगा कि वाई में क्या स्पेसिंग है, वो यूज कर लीजिएगा। सपोज वाई में स्पेसिंग है 200 mm, तो 1600 डिवाइडेड बाई 200 mm हो जाएगा, बट इन माई केस दोनों सेम ही है, सो 1600 डिवाइडेड बाई 150 एंड प्लस 1 एंड इट गिव्स मी 11.66, सो 11.666 दैट इज 12 रेनफोर्समेंट, कितना आ गया 12 reinforcement, means x direction के along हमें चाहिए होंगी 14 reinforcement and y direction के along हमें कितनी चाहिए होंगी 12 reinforcement। यहां तक आई गेस आपको पॉइंट क्लियर है, राइट। अब हम आ जाते हैं कटिंग लेंथ में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, राइट। स्टेप नंबर इज 3, कटिंग लेंथ, राइट। मुझे लगता है कि कटिंग लेंथ के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस क्लियर करना पड़ेगा, राइट, ताकि एक साथ एक ही प्रोसेस में आप समझ जाइए। आप प्लीज अपनी वैल्यूज देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि आपके लिए एक्स अलोंग दी एक्स नंबर ऑफ बार्स 14 रिक्वायर्ड है एंड अलोंग दी वाई जो नंबर ऑफ बार्स है वो 12 रिक्वायर्ड है, राइट। सो स्टेप नंबर 4, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा ताकि पूरा आ जाए, कटिंग लेंथ, राइट। अब कटिंग लेंथ जो है इसका फॉर्मूला आप लिख चुके हो, और इसका फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव लेंथ प्लस बेंड, राइट, एंड माइनस बेंड डिडक्शन, इफेक्टिव लेंथ प्लस बेंड माइनस बेंड डिडक्शन, राइट। अलोंग एक्स की बात करो, अलोंग एक्स इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी आई थी, 1900 mm, वेरी गुड,
1900 mm लिख देते हैं, प्लस बेंड, बेंड कितना है, यही तो बेंड है, देखो ये बेंड है। और हमने बताया था, हमने बात की थी इस बारे में कि बेंड कितना होगा, जो टोटल डेप्थ है उसमें क्लियर कवर हटा दो। अब अगर यहां से मैं क्लियर कवर हटाता हूँ, डेप्थ कितनी है 300, तो यहां से अगर मैं क्लियर कवर हटाता हूँ तो 300 माइनस 100 दोनों तरफ से, ऊपर से 50 माइनस 100, तो बेंड कितना आ जाता है, बेंड मेरा एक्चुअली आ जाता है 200 mm। बेंड कितना आ जाता है 200 mm। अब 200 mm बेंड इधर, 200 mm बेंड इधर, तो हम कितना बोल सकते हैं 2 into 200, ये बेंड हो गया। अब बेंड डिडक्शन हमने बात कर चुके हैं, बेंड डिडक्शन की वो किस पर डिपेंड करता है कि कितने एंगल में आप डिडक्ट कर रहे हो। जब आप 90 डिग्री में, देखो यहां तो 90 डिग्री में ही दिख रहा है, ये जो बेंड है ये कितना है 90 डिग्री में ही दिख रहा है। अगर 90 डिग्री में बेंड है तो डिडक्शन होता है 2D, बट वो तो एक तरफ का होता है, दोनों तरफ के लिए कितना हो जाएगा 4D, राइट। बस याद रखिएगा फॉर 90 डिग्री में कहां लिख दूं, फॉर 90 डिग्री जो बेंड डिडक्शन है दैट इज 2D, बेंड डिडक्शन कितना है 2D, सो ये सॉरी ये नेगेटिव हुआ यहाँ पे, सो माइनस 2 into 2 into D कितना है 12 है, राइट, 12 mm की बार से, तो कितना हो गया 1900 प्लस 400 माइनस 48। चलो करते हैं, 1900 प्लस 400 माइनस 48 और ये आ जाता है 2252, कितना आ जाता है 2252 mm, 2252 mm। देखो 2252 का मतलब क्या है कि इतनी एक लेंथ में आपका एक्स के लॉन्ग रेनफोर्समेंट पड़ जाएगी, मतलब कि अगर आप इतनी लेंथ की रेनफोर्समेंट है आपके पास तब जितनी रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स जिसमें बेंड भी आ जाएगा, बेंड डिडक्शन भी आ जाएगा, जो आपका इफेक्टिव लेंथ है वो भी आ जाएगा, इतनी लेंथ से आपकी एक रेनफोर्समेंट पड़ जाएगी। अब टोटल लेंथ निकालते हैं, टोटल लेंथ निकालते हैं, टोटल लेंथ कितना है, देखो कितने नंबर ऑफ बार्स चाहिए था, 14 नंबर ऑफ बार्स चाहिए था, राइट, याद आ रहा है आपको कितने नंबर ऑफ बार्स चाहिए था 14, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, मीटर में अगर लिखते हैं तो 2.252, ये टोटल लेंथ चाहिए अगर आपको अलोंग एक्स रेनफोर्समेंट लगानी है। जल्दी से निकाल लेते हैं, ये हो जाता है 14 मल्टीप्लाइड बाई 2.252 एंड दैट गिव्स मी 31.528 मीटर, कितना आ जाता है 31.528 मीटर, राइट, 31.528 मीटर किसके अलोंग एक्स। चलो अब बात करते हैं अलोंग वाई, अलोंग वाई फिर से सेम फॉर्मूला, इफेक्टिव लेंथ कितना था अलोंग वाई 1.7, 1600 प्लस 2 into 200 बेंड लेंथ एंड माइनस 2 into 2 into 12, आई गेस ये मैं समझा चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूँ, दैट इज 2000 माइनस 48, 1600 प्लस 400, 2000 माइनस 48 एंड इट गिव्स मी 1952 mm, 1952 mm, और इसी को अगर मीटर में चेंज करेंगे 1.952, करेक्ट। अब अराउंड दी वाई हमें कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट चाहिए थी 12, राइट, सो टोटल लेंथ देख लेते हैं, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.952, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड इट गिव्स मी 20, कुछ गलत हो रहा है, 12 into 1.952 एंड इट गिव्स मी 23.424 मीटर, 23.424 मीटर, राइट। अब हमारा काम लगभग खत्म हो गया है, राइट, अब हमें क्वांटिटी ऑफ स्टील मिल जाएगी, क्वांटिटी ऑफ स्टील आती है केजी या टन्स में, हम यहां पर निकालेंगे केजी में, चलिए निकालते हैं। एंड क्वांटिटी ऑफ स्टील का फॉर्मूला है इन केजी, That is d square upon 162.2 multiplied by length. मतलब जो भी length आपको चाहिए, diameter of reinforcement का square divided by 162.2. ये बहुत important formula है, इसे याद रखिए, और आपका जो quantity है वो आ जाएगा kg में, quantity है वो किस में आ जाएगा kg में, right? चलिए सबसे पहले I hope यहां से
हो जाएगा अलोंग एक्स, देख लेते हैं राइट। अगर मैं अलोंग एक्स देखता हूं तो मेरा क्वांटिटी कितना होगा, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, कितना है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ 31.528। दिस इज इक्वल टू, ये आता है 144 डिवाइडेड बाय 162.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 31.528, दिस इज 27.99 केजी। दिस गिव्स मी 27.99 केजी। बस याद क्या रखना है, यहां पर याद रखना है ये डायमीटर एमएम में है और लेंथ आपको मीटर में पुट करनी है, तब ये 162.2 वाला फैक्टर आपका काम करेगा। नाउ अलोंग वाई बिल्कुल सेम फॉर्मूला, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.2 और कितने लेंथ है 23.424। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं, ये आता है 144 डिवाइडेड बाय 162.2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 23.424, इट गिव्स मी 20.795 या 20.8 केजी। कितना आता है 20.8 केजी, समझ में आ रहा है। मतलब कि अलोंग एक्स आपको कितना चाहिए, अलोंग एक्स आपको इतने केजी ऑफ रेनफोर्समेंट चाहिए, स्टील चाहिए, और अलोंग वाई इतना चाहिए। तो अगर आपको टोटल निकालना हो, मतलब कि आपको टोटल रेनफोर्समेंट कितना चाहिए, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे राइट। टोटल मैं यहां से इसको हटा देता हूं और यहां पर टोटल लेंथ लिखा, ट्राई करता हूं टोटल रेनफोर्समेंट, दैट इज लास्ट स्टेप आई गेस 6 होगा ये राइट। टोटल क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 27.99 प्लस 20.80। चलो ऐड कर लेते हैं कितना केजी आता है, 27.99 प्लस 20.8 दैट गिव्स मी 48.79 केजी ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा। ये तो टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट आपको रिक्वायर्ड है, बट हम ये नहीं मंगाएंगे राइट, क्योंकि कटिंग में थोड़ा बहुत वेस्ट भी होता है राइट। तो हम अज्यूम करेंगे 5% ऑफ वेस्टेज राइट, 5% ऑफ वेस्टेज राइट। अगर 5% ऑफ वेस्टेज यूज आप एज्यूम करोगे तो क्या होगा, 48.79 मल्टीप्लाइड बाय 5/100, इतना तो आप वेस्टेज के लिए मंगा लो पहले राइट। इतना आप किसके लिए मंगा लो, वेस्टेज के लिए। सो 48.79 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 दिस गिव्स मी 2.4395 केजी राइट। अब जब आप ऑर्डर करोगे ना, तो आपको रिक्वायर्ड और वेस्टेड दोनों के लिए ऑर्डर करना है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस क्वांटिटी कुछ गलत हो गई है स्पेलिंग, चलो ठीक है ओके। सो 2.34395 प्लस 48.79 एंड इट गिव्स यू 51.2295 केजी, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ स्टील जो आपको इस क्रॉस सेक्शन की फुटिंग के लिए चाहिए होगा। क्लियर है क्या, आई होप मैंने कोशिश किया है कि जितना भी इजी तरीके से आपको समझा पाऊं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक बार बेंडिंग शेड्यूल होता है राइट, वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक टेबल होती है, मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ है ना, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बस वहां पर अपनी वैल्यूज पुट कर देनी होती है राइट। सो ऐसा कुछ दिखता है बार बेंडिंग शेड्यूल आपका राइट। यहाँ पर सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग एक्स लॉन्ग वाई लिख देंगे, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट दोनों तरफ 12 था तो 12 एमएम हो गया, नंबर ऑफ बार्स अलोंग दी एक्स 14 थी, अलोंग दी वाई 12 थी,
जो लेंथ निकली थी मुझे ठीक से याद नहीं है, 2.3 समथिंग आई गेस निकली थी, कटिंग लेंथ लिख रहा है यहाँ पर, 2.3 मीटर निकली थी आपकी अलोंग एक्स और 2.1 समथिंग निकली थी आपकी अलोंग वाई। देन फिर यहाँ पर क्वांटिटी लिख देना है जितना अलोंग दी एक्स और लेंथ दी वाई इंडिविजुअली आया है। देन यहाँ पर टोटल वेट लिख देना है, यहाँ पर 5% वेस्टेज लिख देना है और यहाँ पर ग्रॉस वेट लिख देना है। आई गेस आपने सारी वैल्यूज निकाल दी है, बस इस टेबल में पुट कर दीजिए, आपका बार बेंडिंग शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है। अगर किसी पॉइंट में डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। एल्स कीप प्रैक्टिसिंग, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना उतना इंप्रूव होता जाएगा आपका क्वांटिटेटिव सर्विंग। अगर फिर भी कोई डाउट है देन आई एम ऑलरेडी हियर टू हेल्प। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।